वो जमीन जो प्रदेश की सरकार कौड़ियों के दाम पर अमीरों को दे देती है बागान सेटअप करने के लिए, होटल बनाने के लिए, आज उस जमीन पर कर्मचारी और चाय बागान के वर्कर के लिए खुद का घर नहीं है। जब तक एक की नौकरी है तब तक घर है, और भगवान न करे नौकरी चली जाए तो सर से छत चली जाएगी, बच्चों के मुंह से निवाला छिन जाएगा और पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ऐसा अन्याय देश में और कहीं नहीं देखा गया। जमीन आपकी, मेहनत आपकी, और आपको ना पट्टा दिया जाता है ना घर दिया जाता है। चाय बागान का सुंदरी के नाम से, सौंदर्यकरण के नाम से स्कीम घोषित कर दी जाती है, और जिसके पास एकड़ों जमीन थी उसको कहा जाता है तुमको 500 स्क्वायर फीट देंगे। आज मैंने मैनेजर से पूछा घर बनाकर दिया, बोला नहीं दीदी, जमीन टाचे बाड़ी नहीं। और मैंने कहा जमीन किसका? जमीन सेठ के पास है, सरकार के पास है, कर्मचारी के पास नहीं है। घर नहीं, जमीन नहीं, भविष्य की कोई सिक्योरिटी नहीं। और आज इसीलिए ममता दी से पूछना चाहती हूँ कि चुनाव के वक्त झूठे वादे करके गए, लेकिन ये बतलाओ कि जबान की कीमत क्यों नहीं रखी? जो वादा दिया उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने ये चुनौती स्वीकार की है कि जब तक बागान के कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिलता तब तक आपका संघर्ष एक एक चाय बागान में चलता रहेगा। आज सुकांत दा बोले थे कि दीदी तुम्हें आश्चर्य, ताई ओरा बोलते दीदी जो स्वच्छता अभियान कर रहे हमारा आगे इतु परिष्कार करें। दीदी आने वाली है, स्वच्छता अभियान करने वाली है, इससे पहले स्मृति दीदी पहुंचे वो वाली दीदी ने कहा तातरी शॉप साफ कर दो। मैंने कहा चलो मेरे आने का कोई तो फायदा हुआ। आज मैं स्तब्ध हूं, जिन चाय बागानों की, जिस इलाके की बात होती थी महिला सम्मान के लिए, आज उस इलाके में बेटी के बलात्कार के बाद उसे सड़कों पर घसीटा जाता है। जिन इलाकों की बात होती है देश में शौर्य के लिए, शूरवीरता के लिए, आज वहां बेटी का बलात्कार करने वालों के खिलाफ लोगों को इंसाफ के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, और ममता बंदोपाध्याय की आंख न खुलती है, कान न सुनते हैं, ना उनके हाथों से न्याय होता है।